ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन जो 1 मई को दोपहर को 12:55 पर हो रहा है। वृषभ राशि पर बृहस्पति महाराज जा रहे हैं, आपके एकादशवें भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे, वहाँ क्या कुछ करने वाले हैं देखिए। कर्क राशि वालों, आपकी राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है बृहस्पति के लिए। आपकी राशि पर बृहस्पति जब पहुंचते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, यानी आपकी राशि के साथ तो विशेष तौर पर संबंध है बृहस्पति देव का। और इन दिनों आपकी राशि में जो ग्रहों का योगायोग चल रहा था पिछले करीब करीब 1-1.5 साल से, बड़ा विचित्र है। कई मामलों में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने, शनि महाराज स्वयं ही अष्टम भाव में जाके विराजमान हो गए और उनकी दृष्टि आपके सप्तम विशेष दशम भाव में पड़ रही है, जो राज्य भाव है, सफलता का भाव है, और कई प्रकार से आपके जकड़ रखे हैं ग्रहों ने स्थिति। और ऐसे में बृहस्पति महाराज स्वयं शनि के ग्रास में चल रहे थे 1 साल में, जो उन्होंने भी पूरी तरह से लाभ होने की स्थिति अपनी जो थी। बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन अब किसी शुभ ग्रह पर खुद ही किसी अशुभ ग्रह का अंकुश लग जाए, शनि का अंकुश लग जाए तो कैसे, और शनि की दृष्टि तो सबसे भयावह होती है। क्या चल रहा था पिछले 1 साल से, शनि महाराज पूरी दृष्टि से अष्टम भाव में बैठकर दशम भाव को देख रहे थे और मेष राशि पर बृहस्पति महाराज चल रहे थे। जो जो चीज़ें सुख वाले भाव को देखना, धन वाले भाव को देखना, वो सब चीज़ें हो नहीं रही थी। जहाँ वो बैठे थे वो सफलता पद राज्य वो सब भी नहीं दे पा रहे थे। केवल एक ही गोचर में ग्रह खराब चल रहा था और वो थे आपके विशेष तौर पर शनि महाराज। अब कई बृहस्पति का ये परिवर्तन होने जा रहा है, हमको ऐसा दिखाई देता है कि आपकी राशि के अनुसार से ये धन वृद्धि हर्ष उल्लास का समय अब आपका आना चाहता है। जी हाँ, शनि तो वहीं हैं जहाँ हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन बृहस्पति महाराज आपके लिए पूरी तरह से एकादशवें भाव में विराजमान होने के साथ कई मामलों में आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बृहस्पति की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। लोगों के साथ हर्ष, मित्रों के साथ, पार्टनरों के साथ, नए लोगों के साथ संपर्क साधने की, लाभ में स्वयं बैठे हैं वो स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय वाले काम को देख रहे हैं, धंधे वाले काम, रोजगार वाले स्थिति को देख रहे हैं, जीवन साथी वाले भाव को देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी, संतान वाले भाव को दृष्टि डल रही है। विद्या बुद्धि वाले स्थान पर तो बच्चों के लिए भी उन्नति तारे युग बनते दिखाई देंगे। बुद्धि में विद्या और काम करने शुरू हो गए, जो डंपनेस आ गई थी, विचार नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीज़ों में भी कई प्रकार से ये ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत महत्वपूर्ण आपकी राशि के अनुसार से रहने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बस आपको अपने आप को ठीक करने का प्रयास करना है, क्योंकि समय बिल्कुल आपके लिए परिवर्तन का है, हर्षोल्लास का है। और विशेष तौर पर आगे बात करें तो धन वृद्धि के योग अद्भुत रूप से आपकी राशि में, लाभ के योग, इनकम में इजाफे के योग आपकी राशि के अनुसार से बिल्कुल बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिए बृहस्पति कहाँ कहाँ के मालिक हैं आपकी राशि के अनुसार से। यदि कर्क राशि के अनुसार से हम देखें तो बृहस्पति महाराज आपके भाग्य के मालिक हैं। और पुरानी कहावत है, भाग्यम फलति सर्वत्र, न च विद्या न च पौरुषम। और किस्मत वालों के द्वार पर गुणवंत भी खड़े रहते हैं, कहा जाता है ना, जब जिनका भाग्य साथ देता है गुणवंत भी, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। जब किस्मत साथ दे रही हो तो अब बृहस्पति महाराज लाभ, किस्मत का लाभ मिलना लाभ ही तो होता है, लाभ में जाके बृहस्पति स्वयं शुद्ध रूप से विराजमान हो गए और किसी अशुभ ग्रह की उन पर दृष्टि नहीं है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है आपके लिए। और ये 1 साल तक बृहस्पति की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से बन के तैयार दिखाई दे रही है। एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में कूड़ी के भाग जाग जाते हैं, तो बृहस्पति महाराज आपके भाग्य जगाने आए हैं इस सुंदर जगह पर। यदि आप इसको संपूर्ण रूप से समझ लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बृहस्पति का ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से एक ऐसा अद्भुत योग आपके लिए बनाने के तैयार होता दिखाई दे रहा है, करता दिखाई दे रहा है, कि जो आपके लिए बहुत भी बढ़िया, बहुत ओवरऑल अच्छा बृहस्पति का प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कुंडली को यदि समझें इस वक्त गोचर के दृष्टिकोण से, बृहस्पति जो अपना फल तो दे रहे हैं, लेकिन 2 ग्रह आपके पीछे किस्मत जो बंद करने के दरवाजे में बैठे हुए हैं। एक तो राहु महाराज आपके भाग्य में जाके बैठ गए हैं, शनि बृहस्पति की वो राशि ही है, और वहाँ पर, और दूसरा शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में और जो दशम भाव में अभी भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो भैया धर्म कार्य से दूर मत होना, ये दोनों ग्रहों की युति जो है वो विशेष तौर पर अभी आने वाले कुछ साल तक, 1.5-2 साल तक, दो क्योंकि शनि परिवर्तित होकर आगे भी जाएंगे अगले साल, और ये आपके धर्म में द्वारा बैठ जाएंगे।
अगर आप धर्म विमुख हुए, साफ साफ समझ लीजिए, धर्म से विमुख हुए, मंदिर परमात्मा की तरफ से विमुख हुए, यानी धर्म कार्यों से आप विमुख हुए, तो भाग्य सो जाएगा, फिर बृहस्पति का कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि किस्मत को जगाना चाहते हो, धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, गुरुजन की सेवा करना। पिता तो आपके लिए इतने लकी रहने वाले हैं, ये जितनी आपने पिता की सेवा कर ली, उनके चरण दबा लिए, जितनी उनकी सेवा नित्य प्रति, चाहे वो आपके पीछे डंडा लेके पड़े हों, बस समझ लीजिए अगर आपने उनके चरण पकड़ लिए तो परमात्मा की कृपा अवश्य आप पे हो जाएगी। जितना आपने धर्म कार्यों में लगे रहे और जितने धर्म के दरवाजे आपने बंद किए, अरे मैं नहीं जाऊँगा मंदिर, मैं नहीं करूँगा, अच्छे किसी को दान पुण्य करना बंद कर दिया, पूजा पाठ करना बंद कर दिया, बस किस्मत सो जाएगी, किस्मत सो जाएगी। ये बात सत्य रूप में समझ लेना चाहिए आपको। यही दो मार्ग आपके लिए भाग्य उदय करने वाले हैं। इस वक्त ग्रह बिल्कुल अनुकूल है, गाड़ी बिल्कुल फिट है, गाड़ी का एसी भी बहुत बढ़िया है, गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत बढ़िया भरा हुआ है, गाड़ी चलने की स्पीड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आप जो चलाने वाले हैं, यदि चलाने वाला ही धर्म विमुख होकर चलाएगा, कम्युनिस्ट बन के चलाएगा, धर्म से विमुख होकर चलाएगा, अच्छे काम नहीं करेगा, तो फिर आपका दुर्भाग्य ही खेल खेलेगा। नहीं तो हमने दिखाया, देखो कहाँ कहाँ कितना बढ़िया बृहस्पति का योग, स्वयं बैठे हैं लाभ पर, देख रहे हैं आपके सहयोग के लिए, पराक्रम पर दृष्टि डाल रखिए पूरी तरह, इसको भी बढ़ाने वाले योग बनाएंगे, पार्टनर लाएंगे, मित्र लाएंगे, दोस्त लाएंगे, विद्या के क्षेत्र में काम कराएंगे, बुद्धि सही पॉजिटिव काम करेगी, और साथ साथ आपके जीवन साथी का भी लाभ आपको देने का प्रयास बनाएंगे, व्यवसाय में आगे बढ़ने का योग बनाएंगे, तो संपूर्ण रूप से तो बृहस्पति पूरी ताकत में आपके साथ शुद्ध होकर बैठे ही हैं। लेकिन जहां लकुना कष्ट है वो भी आपको समझा दिया, यदि आप भगवान के मंदिर से विमुख हुए, भगवान की तरफ से धर्म कार्यों से दूर हुए, तो बस किस्मत सो जाएगी। एक बात ध्यान रख लेना, फिर ना घर तरक्की होगी ना कुछ होगा, तो फिर सब जगह कुत्ते रोएंगे। आप ये बात ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना। और यदि ये बात वक्त, देखिए ज्योतिष यही दिखाता है कि वक्त कैसा है, वक्त में कौन सा कार्य करना है, यदि वक्त आपके लिए बिल्कुल तैयार है, आप ही अपनी किस्मत का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडे लगाकर उसकी ओट लगा के बैठ जाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसलिए भैया ये समय बड़ी मुश्किल से परिवर्तन का आया है आपके लिए, ये समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। किस्मत जगाने के लिए समय आया है। गुरु गोरखनाथ की माता की तरह, किस्मत को उनके पिता की तरह, जो उनके पिता ने किस्मत अपनी फुड़वा ली थी, ऐसा कार्य मत करना। शास्त्र में कथा आती है, बड़ी दिव्य कथा आती है, बड़ी दिव्य कथा आती है कि जो विशेष तौर पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उनकी किस्मत जगाने के लिए, किस्मत तो आपके दरवाजे पे आगे बैठ तैयार बैठी है, किस्मत दरवाजे पे आगे तैयार बैठी है। ये कथा सुन लो, कथा मैं समझाने जा रहा हूँ कि कैसे उस गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने आकर जिसके भाग्य में बांझ थी वो संतान सुख नहीं था, संपूर्ण सुख उसके दरवाजे पर लाके गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने रख दिए, लेकिन उन दुर्भाग्यशाली लोगों ने वो सुख को प्राप्त करने के लिए रास्ता नहीं टटोला। द्वार आए हैं आपके बृहस्पति, किस्मत जगाने के लिए आए हैं। ये कथा सुनकर आप श्रवण कर आध्यात्मिकता इसकी समझने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें सुन लें, क्योंकि बृहस्पति के भाग्य जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुराने कहावत है बृहस्पति कूड़ी का भाग जाग जाते हैं, वो कैसे जागते हैं, इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना, तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है, और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर संत हैं, और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे, तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये दो फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सतत्व जो विशेष तौर पर सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए, इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान अर्पित करने से आपके नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा, उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये दो भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए हैं, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम
भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से देखिए ज्योतिष के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के को देखते हुए उसके प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है, लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पर परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष ख़त्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है, ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है, ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या, जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं, जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं, लेकिन हाँ यदि आपने प्रयास कम किए, कच्ची झोंपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका हित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए, और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का युग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही, किस प्रकार की हवाएं बहनी है, और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना लें, प्रकृति के अनुकूल बना लें, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए, और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे YouTube के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की कुंडली हाथ में होता है, क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड है। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया गया पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते, जितने गरीब लोगों के जीवन, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पर यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पे पिछले करीब करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की, आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर, अनेक अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा, कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट विचार से छोड़ा जाए। और देखिए भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है, और हमने ये देखा है। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधी समस्या है, तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं,
इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं हमारे आश्रम पे। आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योग आश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ पिछले करीब करीब 50-60 सालों से नित्यपति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है। जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति भगवती दिव्य मूर्ति की, दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है। जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पर कार्य चल रहा है, विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएँ हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली, जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, स्वावन के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।